कोरोना के बाद अब टिड्डी दल झांसी जिले के किसानों को परेशान करने के लिए आसमानी आफत बनकर उतरा है। लाखों की तादाद में टिड्डी बुंदेलखंड के किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान से पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचा टिड्डी दल किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। झांसी में आज दूसरी बार भारी तादाद में टिड्डियों ने जमकर तबाही मचाई है। झांसी जिला प्रशासन ने किसानों के दुश्मन टिड्डों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर इन्हें खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी झांसी आंद्रा बामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि टिड्डी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को राहत देने की योजना भी उन्होंने तैयार की है और बिल्कुल आवाज ना करके इनको मारने की व्यवस्था करें। तो अभी मूवमेंट हो रहा है, अभी शायद एक और बात मुझे ये भी कहना है कि इसका जो मूवमेंट है सुबह तो बिल्कुल जीरो हो जाती है और दोपहर भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन शाम पे इसकी मूवमेंट जब ठंडी हवा निकलती है तभी तो इसकी मूवमेंट ज़्यादा है। मतलब ये वही टिड्डी दल है जो अन्य जगह से आ रहा है, जैसे राजस्थान से आ रहा है, तो फिर इस गर्मी हवा पे उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन शाम 4 बज जाते हैं तो फिर इस टिड्डी दल की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है अचानक। कारण क्या है कि एक ठंडी लहर भी है, एक मौसम भी अपने आप ही ठंड होने के समय आ जाती है, तो फिर तो इसी पर इनका मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो कितने मारे गए अब तक? अभी तक एक स्वाम का जो भी है लगभग 40 लाख के आसपास है, उसको चिचका स्प्रे चिचकार करके नुकसान पहुँचाया फसलों में। अब वो तो अध्ययन कर लिया था, तो रानीपुर में या जहाँ पे भी हो हमारे जो फसल है 30% का जो भी है 30% का वो नुकसान पार नहीं किया था। अगर वो 30% का नुकसान पार कर लिए तो फिर तो हम राहत के तहत जो भी हमें देना है वो धनराशि हम उपलब्ध करा देंगे, जिसमें सरकार TR-27 से फंड लेने की व्यवस्था भी कर चुकी है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ मनीष अली की रिपोर्ट। विथ मोरल वैल्यूज द ओनली इंस्टीट्यूशन विथ ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज कंप्यूटर लैब साइंस लैब एक्सपीरियंस टीचर्स एयर कंडीशन हॉस्टल विथ ऑल फैसिलिटीज द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द एरिया दी ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज झांसी रोड मऊरानीपुर।